morning. Myself S.K. Sharma, your English teacher from Government Arts Secondary School, Dhar, District Rewa. प्यारे छात्रों, टी सीरीज के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं टी एट पर, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बीते हुए समय में कुछ कार्य पूर्ण होकर शेष कार्य जारी रहने की सूचना देता है। इस टेंस की पहचान है यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द जैसे सुबह से, दो बजे से, पांच दिन से आदि जुड़े हो तो आप समझिए दिया गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे किस टेंस का है, और पहचानने के बाद उस टेंस के लिए स्ट्रक्चर ध्यान रखें, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, इसके बाद हेड में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का, उसके लिए हेड में का उपयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब में आई को जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, सिंस या फॉर का उपयोग करेंगे, और इसके बाद समय सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। आइए इसमें देखिए खास बात क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा था टी एट टी फोर के अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग आपने पढ़ा है पहले ही, इसके पहले जो वीडियो दिया गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जा चुका है आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि निश्चित समय दिया गया हो जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, दो बजे से, 1990 से, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से समय की अवधि में समय की गणना भी हो जैसे पांच दिन से, पांच माह से, पांच घंटे से, पांच मिनट से, यानी समय की अवधि बताई गई हो तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी। प्यारे छात्रों, ये सुबह से शब्द हटा दिया जाए और ये शब्द ये वाक्य इस वाक्य में सुबह से काट दिया जाए और वर्षा हो रही थी आपसे पूछा जाए कि कौन सा टेंस है, तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे कि वर्षा हो रही थी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। परंतु यदि इसमें समय की सूचना मिल जाए जैसे सुबह से वर्षा हो रही थी, समय सूचक शब्द आ गया तो कॉम्फर्ट टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं। मैं पांच दिन से फुटबॉल खेल रहा था, मैं पांच दिन से फुटबॉल खेल रहा था यानी आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर फाइव डेज। फॉर फाइव डेज आप देखिए पीरियड ऑफ टाइम, फाइव डेज दिया है पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर लग गया। इसके पहले आपने देखा था पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग लिखा हुआ था सिंस लग गया, तो दोनों चीजों को थोड़ा डिफरेंशिएट करके ध्यान रखना है कि कहां पर सिंस लगेगा कहां पर फॉर लगेगा। इस सेंस में खास बात यही है कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते समय हम सावधानी रखें। प्यारे छात्रों, टी एट के अंतर्गत छोटा सा वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, मैं समझता हूं कि यह काफी आसान रहेगा आपके लिए और इस टेंस को आप आसानी से सीख जाएंगे। आज बस इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।